बीच जलालाबाद सीट की बात कर लेते हैं। जलालाबाद विधानसभा सीट पर भी इस बार काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां से सुखबीर सिंह बादल को आम आदमी पार्टी के भगवंत मान और कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू से कड़ी टक्कर मिली है। यहां पर 86.19% वोटिंग हुई थी। फाजिलका जिले में आने वाला जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र श्रोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के दबदबे वाला माना जाता है, लेकिन 2017 के रण में सुखबीर सिंह बादल को जलालाबाद हलके से कड़ी चुनौती मिली है। सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे जलालाबाद सीट 2017 के दंगल में काफी हॉट बनी हुई है। जलालाबाद हलके से श्रोमणि अकाली दल के उम्मीदवार सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ कांग्रेस ने अपने सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को मैदान में उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने सांसद भगवंत मान को मैदान में उतार जलालाबाद के मुकाबले को बेहद ही दिलचस्प बना दिया। जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की बात करें तो यहाँ कुल मतदाता 185,893 हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 97,698 और महिलाओं की संख्या 88,190 है। 4 फरवरी को हुई पोलिंग में इस विधानसभा क्षेत्र में 86.91% वोटिंग हुई, यानी कि करीब 87% वोटर ने जलालाबाद हलके में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जलालाबाद में हुई बंपर वोटिंग इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसके लिए फायदेमंद साबित होगी और जलालाबाद में किसका जलवा रहेगा, इसकी तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।